जब हम कराची में रहते थे तो 14 बरस वहाँ बाबा ने हमको सिर्फ तपस्या करने के लिए वहाँ रहाया था, क्योंकि जब तक हम अपनी ऊंची जीवन न बनाएंगे तब तक दूसरों की सेवा करना मुश्किल होगा। इसलिए 14 बरस हमको योग वगैरह सिखा करके बाबा ने परवीन बना दिया। और उसके बाद जब हम भारत में आए, उस बीच में पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, तो भारत में आने से ही हम माउंट अबू में रहने शुरू किया, क्योंकि यह स्थान अच्छा लगा बाबा को। तो यहाँ पहले हम ब्रज कोठी में, जो भरतपुर महाराजा की कोठी थी, उसमें आ कर के रहने लगे। यहाँ का एटमॉस्फेयर कराची से बहुत भिन्न था, और यहाँ का खाना पीना रहना सहना जो हम कराची में रहते थे उससे बहुत भिन्न था। इस कारण से जब हम यहाँ आए तो आने से ही कई बहनों भाइयों की तबीयत ठीक नहीं रही, तो इसलिए हमको यहाँ इतना मेडिकल हेल्प नहीं मिला। तो मेरे को बाबा ने अहमदाबाद भेजा था, वहाँ मैं रह करके डॉक्टरों के कांटेक्ट करके फिर जो बीमार बहने भाई होते थे उनको मैं वहाँ मंगाता था और वहाँ पर उनकी दवाई दरमल करता था। शुरुआत से ही ऐसे ऑब्स्टेकल्स हमारे यज्ञ में आई, लेकिन बाबा ने हमको समझा दिया था तो बचे ही, ईश्वरीय ज्ञान का यज्ञ है ना, तो इसमें बहुत ऊंच पद पाने का है। तो जहाँ ऊंच पद होता है, ऊंच इम्तिहान पास करना होता है, वहाँ बीच बीच में बहुत रुकावटें आती हैं, तो उसका फिक्र नहीं करना, ये रुकावटें आएगी। तो हमको तो ईश्वरीय ज्ञान मिल गया था, इसलिए हमको ये रुकावटें, जैसे कि एक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस जैसे होता है, ऐसे फील होता था। तो यहाँ भी हमारे पास आने के बाद पैसे की समस्या हो गई, क्योंकि जिन्होंने हमको यहाँ इंडिया में निमंत्रण दे करके बुलाया था उन्होंने बैकआउट कर दिया। उन्होंने कहा था तो हम सारा खर्चा वगैरह हम करेंगे, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट में किया नहीं, क्योंकि उनका बाबा के इंस्टीट्यूशन के साथ फ्रेंडली तरीका नहीं था। तो पीछे हमने उस मकान जो भरतपुर का महाराजा का था उसकी रेंट जो थी बहुत ऊंची ऊपर थी, उन दिनों में रेंट एक्ट था, उसके आधार पर उनकी रेंट ऊंची होने के कारण हमने उनको रेंट नहीं दिया, तो उसने केस कर दिया। तो केस में विश्वकिशोर दादा, हमेशा वो ही बाबा का राइट हैंड था उन दिनों में, क्योंकि इंडिया में आने के कारण बाबा ने हम लोगों को, दूसरे भाई बहनों को, यज्ञ के सेवा के लिए बाहर भेजा था इंडिया में, दूसरे शहरों में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, और जयपुर में, लखनऊ, कानपुर में। वहाँ बहने इनविटेशन पर, क्योंकि उनके मित्र संबंधियों ने उनको इनवाइट किया था, तो उन्होंने बुलाया उनको कि हम यहाँ इंडिया में आने के बाद बहुत दुखी हो गए हैं, क्योंकि वहाँ तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद वो रेफ्यूजी होम्स में रहने लगे थे, तो इसलिए बहुत दुखी हुए थे। फिर हमको, हमारे बहनों को उन्होंने बुलाया, तो हमको भी बुलाया, तो हमको भी बाबा ने भिन्न भिन्न शहरों में सर्विस करने के लिए भेजा था। तो मैं पहले बड़ी दीदी के साथ और गंगे दादी के साथ और संतरी बहन के साथ एक बारी, बाबा ने बोला तो भारत का चक्कर लगाओ,
तो हम चक्कर लगाने गए, तो हमारी एम थी तो महात्माओं वगैरह के साथ में हम कनेक्शन में आए, इसलिए हम गए पहले ऋषिकेश, हरिद्वार और ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद का आश्रम था ऋषिकेश में, बड़ा आश्रम था, तो वहाँ उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस रखी थी, वहाँ हमारी गंगे बहन ने बहुत अच्छा भाषण किया और सारी हमारी बातें ज्ञान की समझाई। तो वहाँ एक भाई आया था जो जापान से होके आया था, तो वहाँ उसने फर्स्ट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जो जापानी लोगों ने बुलाई थी, उसमें उनको इनवाइट किया था, तो वो गया था। तो उनकी सेकंड कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो उसने जापान वालों को लिख के भेजा, तो ये इंस्टीट्यूशन जो है ब्रह्मा कुमारीज की, ये बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है, इसको आप निमंत्रण भेजो। तो उसके बाद उन्होंने निमंत्रण भेजा जो बाबा ने स्वीकार किया, और 1954 में बाबा ने मेरे को और दादी प्रकाशमणि जो अभी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, और दादी रतनमणि जो के हेड ऑफ राजस्थान सर्विस है, उन्हों को भेजा, और हम लोग ने जापान में जाकर के बहुत अच्छी सर्विस की। हम लोग तो गए थे 15 दिन के लिए खाली कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनको बहुत ये ज्ञान अच्छा लगता था। तो भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वालों ने हमको निमंत्रण दिया, तो हमारे पास भी आप आओ, आकर के ये ज्ञान हम लोग को सुनाओ। तो ऐसे कोई 15 दिन के लिए, कोई 20 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए बुलाते रहे। तो हमने बाबा से पूछा, तो बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, तुम ये सर्विस में बिजी हो जाओ। तो हम उस सर्विस में बिजी हो गए, तो उसके बाद कॉन्फ्रेंस का काम तो पूरा हो गया। फिर हमारे जो सिंधी मित्र संबंधी थे वो वहाँ बहुत लोग बिजनेस में हैं, और वहाँ सरदार लोग भी बिजनेस में हैं और गुजराती लोग भी बिजनेस में हैं। तो उन दिनों में उन्हों के जो बिजनेस में थे उन्हों के साथ हमारा कांटेक्ट हुआ, तो उन्हों की भी बहुत रुचि रही, उन्होंने समझा था, तो हमारी इंस्टीट्यूशन खलास हो गई है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में भी 3 साल लास्ट में रहे थे, तो उन्होंने समझा मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन उन्होंने राज्य में ये लोग कैसे सेफ रह सकेंगे। लेकिन हम जब वहाँ गए तो उनकी आँखें ही खुल गई, तो इन्होंने इतनी शक्ति आई है जो इन्होंने पाकिस्तान में हमारे बाद भी 3 साल रह कर के दिखाया है। तो उनका बहुत हमारे साथ प्यार रहा, और गुजराती लोगों का भी बहुत इसमें इंटरेस्ट रहा, और सरदार लोगों का भी इंटरेस्ट रहा। ऐसे करके हम लोग जापान में ही 6 मास रह गए, क्योंकि इतनी सर्विस फैल गई। और उसके बाद हमको लौटते टाइम हांगकांग से निमंत्रण मिला, तो हांगकांग में भी हम 2 महीने के लिए ठहर गए, क्योंकि वहाँ भी सर्विस फैल गई। फिर वहाँ की सर्विस करके फिर हम लोगों को सिंगापुर से इनविटेशन मिला, तो हम सिंगापुर में भी गए, और वहाँ भी हमारे मित्र संबंधी बहुत थे, और वहाँ भी तीनों ही कम्युनिटी बिजनेस में रहते थे, तो उन्होंने निमंत्रण देकर के हमको आपसे उनको बुलाया, और हम वहाँ भी ठहरे थोड़ा टाइम। उसके बाद हम लोग बाय शिप इंडिया में सिंगापुर टू मद्रास आए, तो मद्रास में बाबा ने हमारी इतनी सेवाएं देख करके दादी जानकी को और जगदीश भाई को खास वहाँ हमको रिसीव करने के लिए भेजा था। तो वहाँ हम लोग फिर जगदीश भाई आने के कारण वहाँ अखबार वालों की और दूसरे सिंधी लोगों की भी
बहुत सर्विस की, जानकी दादी भी मद्रास में बहुत अच्छे अच्छे सिंधी फैमिलीज रहते थे, जिनों का कनेक्शन दादी जानकी के साथ भी था, तो उसके कारण हम लोग वहाँ रहे और वहाँ भी सर्विस की। फिर बाबा ने हमको डायरेक्ट अबू में नहीं बुलाया, फिर वहाँ से एक सम्मेलन था साधुओं का चित्रकूट में अक्टूबर के महीने में, जो शरद पूर्णम होती है वो चित्रकूट की मशहूर है, वहाँ पर मेला लगता है, तो हम लोग वहाँ गए। फिर वहाँ से कानपुर में गुप्ता जी था, उसको ये निमंत्रण मिला था, वो आया था हमको मद्रास में लेने के लिए, तो हम फिर वहाँ गए, वहाँ भी बहुत अच्छी सर्विस हुई। फिर वहाँ से बाबा ने कहा तुम पहले बॉम्बे जाओ, तो हम बॉम्बे गए, फिर लखनऊ गए, फिर कानपुर गए, फिर दिल्ली में आए, फिर दिल्ली में भी बहुत अच्छी सर्विस हुई। फिर दिल्ली के बाद हम माउंट आबू में आए, तब तक पहला मकान जो ब्रज कोठी था वो हमने चेंज कर दिया, और उसके बाद हमको कोटा हाउस और ढोलपुर हाउस में वो मकान मिला था, तो वहाँ हम आकर के बाबा से मिले थे। तो बाबा ने बहुत उत्साह उमंग से हमारी खातरी की, और दादी कुमारका को गिन्नियों का हार पहनाया और बहुत खुशियाँ मनाई। उसके बाद हम लोग फिर सर्विस पर गए यहाँ इंडिया में। उस समय हमारे जापान से वापस आने के कारण यहाँ इंडिया में बहुत सर्विस जास्ती फैल गई, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम बहुत बड़ा हो गया कि ये लोग जापान से होके आए हैं, और पहली बार ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन से कोई गया होगा, इसलिए वहाँ बहुत निमंत्रण मिले। उसके बाद कई सेंटर्स दूसरे दूसरे शहरों में, बेंगलोर वगैरह में भी खुले, उसके बाद हमारी सर्विस बहुत फैल गई। तो मेरे को बाबा समय पर समय दिल्ली में भेजा, फिर बॉम्बे में भेजा, फिर कलकत्ते में सर्विस के लिए भेजा, फिर कानपुर में भेजा, कानपुर में भेजा, तो कानपुर में हम लोग गए, उसके पहले इलाहाबाद में गए थे, इलाहाबाद में कुंभ का मेला था उन दिनों में, तो कुंभ के मेले में जाने से वहाँ कानपुर नज़दीक पड़ती है, वहाँ का एक बॉयलर इंजीनियर आया था, उसने आकर के निमंत्रण दिया तो आप कल कानपुर में चलो, वहाँ बहुत सर्विस है। तो हम वहाँ गए तो वहाँ एक बड़ा व्यापारी था पंजाब का, उसका नाम था हरबिलास राय रईस, उसकी बहुत बड़ी कोठी थी, तो उसने हमको निमंत्रण दिया अपने घर में, बोला आप यहाँ आकर के सेंटर खोलो। तो अपने घर में उसका अलग तरीका, अलग एक मकान बना हुआ था अलग, उसमें हमको उसने निमंत्रण दिया और हम जा कर के वहाँ रहे और वहाँ से सर्विस शुरू की। और फिर उसके बाद लखनऊ में भी सर्विस हुई, कि वहाँ दादा राम रहता था, दादा राम और सावित्री, जिन्होंने शुरू शुरू में लखनऊ में सर्विस शुरू की, उसका बाबा के साथ लौकिक में कनेक्शन था, तो इसके कारण वहाँ बहुत अच्छी सर्विस चालू हुई। फिर उसके बाद तो बहुत राजस्थान में भी सर्विस चालू हो गई, अजमेर, जयपुर, जोधपुर वगैरह ऐसे ऐसे शहरों में सर्विस चालू हो गई, और मैं तो सारा ही टाइम ऐसे टूर्स पर ही रहा, और आखिर में हमारा एक सेंटर अहमदाबाद में खुला। तो अहमदाबाद में खुलने के बाद वहाँ बहुत अच्छी सर्विस शुरू हो गई, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत बड़े बड़े लोग, व्यापारी लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहते हैं, वहाँ बाबा ने बहुत उत्साहपूर्वक वो सेंटर खुलाया और वहाँ बहुत अच्छी सर्विस हुई। उसके बाद बाबा ने फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, स्पिरिचुअल म्यूजियम, 1965 में वहाँ
किशनपुर बाजार में खुलाया। वो जब खुला तो बाबा ने मेरे को अहमदाबाद से वहाँ भेजा, जहाँ जहाँ नई नई सर्विस चालू होती थी वहाँ मेरे को बाबा सर्विस के लिए भेजता था। तो वैसे मैं जो जयपुर में भी 2 साल पहले रह करके और वहाँ बहुत अच्छी सर्विस फैली, उसके बाद और भी सेंटर्स वहाँ खुल गए। उसके बाद बाबा ने 1969 में अव्यक्त होने के बाद फिर माउंट अबू में सर्विस का प्रोग्राम शुरू करना था, क्योंकि अब तक बाहर में जो सेंटर्स खुलते थे उनमें से लोग आने लगे माउंट अबू में। तो तब तक हमारा मकान जो कोटा हाउस और ढोलपुर में हाउस में था वो बदली होकर के फिर पांडव भवन में आ गया। 1968 में पांडव भवन लिया था, तो उसमें सेंटर हमारा मेन सेंटर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, पहले नेशनल हेडक्वार्टर्स खुला, क्योंकि उन दोनों में फॉरेन की सर्विस चालू नहीं हुई थी। तो बाबा के बाद मैं और निर्वैर भाई दोनों आकर के कट्ठे माउंट अबू में पांडव भवन में सर्विस शुरू की। 1969 के बाद 1970 में ही हम लोग आए थे, और बाबा के अव्यक्त होने के पहले बाबा ने एक मकान जो वहाँ बहुत अच्छा था माउंट अबू में, वो माउंट अबू के सर्विस के लिए वहाँ एक स्पिरिचुअल म्यूज़ियम बड़े ग्रैंड स्केल पर खोलने का विचार बताया था। उसके बाद रमेश भाई जो बॉम्बे वाला है उसको बुला करके उसने उसको कहा था कि यहाँ जो म्यूज़ियम बनाना है वो तुम बनाओ। और उसको जो उस समय बाबा ने एक ट्रस्ट बनाने के लिए रमेश भाई को कहा था, जो वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के नाम से बनाया था, उस स्पिरिचुअल ट्रस्ट के नाम से ये म्यूज़ियम बनाने के लिए बाबा ने उसको डायरेक्शन दिया। तो मकान ले लिया गया, और उस समय बाबा के बाद वो मकान में म्यूज़ियम बनाने शुरू हुआ, जिसमें मुख्य बनाने का काम निर्वैर भाई ने किया। और वो म्यूज़ियम इतना अच्छा बना जो सारे इंडिया में जैसे कि एक मॉडल बन गया। उसके बाद भारत में बहुत ऐसे म्यूज़ियम्स उसको देख करके बनाने लगे। बाबा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जैसे कि एक वरदान दे करके दादी प्रकाशमणि को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया था, प्रेरणा देके गया बाबा। उसके बाद दादी प्रकाशमणि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनने के बाद और बाबा के अव्यक्त होने के बाद सर्विसेज बहुत फैल गई। बाबा ने बताया था कि मेरा अव्यक्त होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अव्यक्त होने के कारण इस शरीर के लिमिटेशन से बाहर होऊंगा, और शरीर में लिमिटेशन होने के कारण मैं बहुत बाहर के लोगों को सर्व नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अव्यक्त रूप में होकर के शिव बाबा को मदद करूँगा। तो शिव बाबा मेरे द्वारा बहुत लोगों को साक्षात्कार वगैरह करा करके और उनको इस यज्ञ का पहचान दूंगा, और उस पहचान के कारण बहुत लोग यहाँ आएंगे और ज्ञान लेने की तमन्ना रखेंगे। तो इसलिए बाबा ने ये राज समझा दिया था।
उसके बाद थोड़ी समय में फॉरेन के लोग हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में आने लगा। फॉरेन के लोग उन दिनों में घूमने फिरने बहुत भारत में आते थे, तो माउंट अबू भी एक रमणीय स्थान है, वहाँ भी आते थे। तो जब हमारा म्यूज़ियम खुल गया तो म्यूज़ियम को देखने के लिए पब्लिक आती थी, उसमें ये लोग भी आते थे। तो वो ज्ञान जो हमारा फॉरेनर्स ने सुना तो उनको ये एक अजीब ज्ञान लगता था, तो ऐसा ऊंचा ज्ञान और हमको अभी तक पता ही नहीं है। तो इतना ऊंचा ज्ञान लेने की उनकी आशा रही। तो पहले पहले दो भाई आए थे, एक चार्ली भाई ऑस्ट्रेलिया का था और दूसरा साइमन भाई, वो भी ऑस्ट्रेलिया का था। वो दोनों लंदन में सर्विस करते थे, नौकरी करते थे। तो वो लंदन में कांटेक्ट में आए थे। लंदन में उन दिनों में सेंटर नहीं था, लेकिन जयंती बहन और उसका परिवार वहाँ रहता था। तो जयंती बहन पहले माउंट अबू में स्कूल में पढ़ती थी, तो उन दिनों में पढ़ाई करती थी, तो बाबा के साथ कांटेक्ट में आती थी। तो कांटेक्ट में आने के कारण बाबा उसको ज्ञान की बूम बूम करते 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 उसको ज्ञान सिखाता था। छोटी थी आयु में, बाबा ने उसको वरदान दिया, तो बच्ची तुम बहुत फॉरेन में सर्विस करेंगी। उस बेचारी को क्या पता था, मैं तो इतनी छोटी, मैं फॉरेन में कहाँ सर्विस कर सकूंगी, उसको तो ये पता ही नहीं था। तो मेरे को कौन वरदान दे रहा है? तो बाबा ने उसको वरदान दिया। तो वो जब वापस गई अपने संबंधियों के पास, तो वहाँ ये ज्ञान लेने के बाद वहाँ एक स्पिरिचुअलिस्टिक सेंटर ब्रिटिशर्स का था, तो उसमें उसको चांस मिलता था लेक्चर करने का हफ्ते हफ्ते। तो वो हफ्ते हफ्ते जो लेक्चर करती थी, वो सुनने के लिए कई लोग आते थे, उसमें ये साइमन और चार्ली भी थे। तो उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा, उन्होंने वहाँ जयंती बहन से छुट्टी लेकर के और यहाँ आने का प्रोग्राम रखा। वो पहले ही दो लोग थे जो मधुबन में आए, फिर उनके बाद कई दूसरे लोग भी आने लगे, टूरिस्ट आने लगे। तो उन्होंने जाकर के ऑस्ट्रेलिया में सेंटर खोला। फिर लंदन में जाने का हमको एक चांस मिला, क्योंकि अमेरिका से एक एवास्टिंग रिट्रीट के नाम से एक इंस्टीट्यूशन थी, उन्होंने हमको पांडव भवन में निमंत्रण भेजा था 1972 में। तो हम 1970 से ही वहाँ ऑफिस खोली थी जिसमें निर्भर भाई और मैं रहता था। तो उन्होंने जब इनविटेशन भेजी थी वहाँ योग के लिए, योगा इंस्टीट्यूशन थी, तो हमने वो इंस्टीट्यूशन का इनविटेशन स्वीकार कर लिया। और उनको हमने पहले तो अपना ही बायोडाटा लिख करके भेज दी, मैंने, निर्भर भाई ने और रतन मेरी दादी का और एक दो और का निमंत्रण स्वीकार करके उनको बायोडाटा भेजी थी। तो उन्होंने इनविटेशन बोला आओ, तो हमने सोचा हम तो ऑफिस अभी नहीं खोली है, हम कैसे जाएंगे। फिर दादी से पूछा, फिर दादी उन दिनों में जयपुर में थी, वहाँ सभी भाई बहने थे, फिर वहाँ डिसाइड किया। तो चार बहनें और दो भाइयों का प्रोग्राम बना, जिनका वहाँ जाने का प्रोग्राम बना। तो उसके बाद पहले वो लंदन में गई, जयंती बहन ने उनको निमंत्रण दिया, तो पहले लंदन से होके जाओ। लंदन में गए तो वहाँ लंदन में लोगों को ज्ञान देने शुरू किया थोड़ा थोड़ा को। तो वहाँ एक सेंटर हमारा छोटा खुल गया। वो सेंटर खुलने के बाद फिर बाकी लोग आई वॉचिंग रिट्रीट में वहाँ गए अमेरिका में,
वहाँ का चक्कर लगा के, फिर जगदीश भाई भी उस ग्रुप में था, रमेश भाई भी उस ग्रुप में था, तो जगदीश भाई ने फिर आगे अपना टूर लगाया और उस दिनों में जापान और हांगकांग वगैरह में होकर के चक्कर लगा के फिर यहाँ लौटा था। इस तरीके से फॉरेन की सर्विस शुरू हो गई। हम लोग दो चार भाई नहीं थे शुरुआत में, हम लोग 75 भाई थे और 300 भाई, 300 माताएं बहनें थी जब कराची में रहते थे। फिर कराची से जब यहाँ आए तो कुछ कम हो गए, क्योंकि ओल्ड एज के कारण कईयों ने शरीर छोड़ दिया था। तो हम लोगों को बाबा ने ये ट्रेनिंग दे दी थी, तो माताओं को आगे रखना है, क्यों कि माता मदालसा है और माताओं का हृदय जो होता है कोमल होता है, उनका सेवा करने का जो अंग होता है वो लोगों को अच्छा लगता है, मीठी मीठी डोली दे करके उनको आप समान बनाने का तरीका आता है। तो हमने वो बाबा का जो डायरेक्शन था वो आशीर्वाद के तरीके से माना और हम लोग ने अपना जो लोगों को दुनिया में अभिमान होता है कि हम बड़े हैं और माताएं छोटी है, ये बदली करके हमने अपना प्रिंसिपल ये रखा कि माताओं को आगे रखना है। और हमने फिर इंडिया में आने के बाद जो अनुभव किया, तो अनुभव से हमको ये पता चला कि माताओं को ज्ञान देने से, माताओं के ज्ञान देने के बाद पुरुष लोग भी उनके सुनते थे, लेकिन भाई लोग अगर ज्ञान देते थे तो अचानक ही ऐसे उनके पहले की प्रवृत्ति होने के कारण वो इतना बात नहीं मानते थे, लेकिन माताओं की बात वो जल्दी मान लेते थे। तो हम लोग अपना अभिमान छोड़ करके, और ये भी एक ज्ञान का पॉइंट है जो ज़रूरी है हमारे लिए, तो ये धारणा करके और फिर हम चलते रहते थे, तो हमको कोई भी उसमें रुकावट नहीं आती थी। माताएं हमारी भी संभाल ऐसे ही करती थी। बाबा ही एक सतगुरु है, क्योंकि हमारा कनेक्शन वास्तव में निराकार शिव बाबा के साथ है और वो हम लोग मानते हैं कि हमारा सतगुरु एक ही निराकार परमात्मा है। तो एक निराकार परमात्मा की गुरु गुरुडम तो होती नहीं है, उसके बाद कोई गुरु निराकार होता ही नहीं है। तो वो सब हम साकार में भाई बहने हैं, उसके लिए उन्हों का गुरुडम का सिस्टम चालू नहीं हुआ। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कारोबार जो होती थी उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अपॉइंट होता था। तो तब से लेकर के दादी प्रकाशमणि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होकर के चल रही है। अभी वो 75 वर्ष की हो गई है, उसकी प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं और हम अपने इंस्टीट्यूशन की डायमंड जुबली 1996-97 में मना रहे हैं। पहले पहले शुरुआत में दीदी मनमोहनी कंट्रोलर थी, सारे यज्ञ की कंट्रोलर वो थी, माता थी, बुजुर्ग थी और अनुभवी थी, इसलिए बाबा ने उसको अपॉइंट किया था। और वो उस स्टेज में यहाँ तक चलती आई, अबू में भी वही काम करती थी और उसको ही हम कंट्रोलर कहते थे। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा जानी जाननहार है, उनको पता था। तो इसके बाद जो फॉरेन की सर्विस चालू हो जाएगी उसमें दादी प्रकाशमणि का रोल बेहतर रहेगा, और उसमें छोटाई बड़ाई का सवाल नहीं था। बाबा जो कुछ करता था हम बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के पहचानने के कारण हम उसके हर बात को श्रीमत कह करके मानते थे। और उस श्रीमत के आधार पर दादी प्रकाशमणि जब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी तो
दीदी मनमोहनी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी, लेकिन दोनों का तरीका ऐसा था जो जैसे कि दो शरीर आत्मा एक है, ऐसे कार्य उनका चलता था। और अंत तक भी दीदी जब तक थी शरीर में, तब तक दादी और दीदी का ऐसा ही आपस में रिलेशनशिप रहा। उसके बाद दादी जानकी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव बनी और उनका भी जो रिलेशनशिप बड़ी दादी के साथ है वो ऐसा ही है जैसे दीदी का था। दर्शकों के लिए तो बाबा की आशीर्वाद ही काफ़ी है, क्योंकि बाबा की जो श्रीमत है वो है पवित्र बनो योगी बनो, और यही मैसेज बाबा ने सभी के लिए वरदान के रूप में दिया है, और हमारा भी यही मैसेज सारी दुनिया के लिए है कि योगी बनो, पवित्र बनो और देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति।